बेटा देखो, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या है? आप कहेंगे मोनालिसा। तो मोनालिसा खूबसूरत नहीं है। खूबसूरत दो ही चीजें दुनिया में होती हैं, सोना होता है जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, एक सोना होता है गोल्ड जिसके पीछे लोग पागल हैं, और एक सोना होता है जो आप नींद लेते हैं। आज की क्लास में आपको सिखाएंगे कि आप नींद क्यों लेते हैं, हमारी बॉडी में कौन सी ऐसी ग्लैंड है जिसके कारण आपको नींद आती है, या वह नींद में इन्वॉल्व है, मतलब स्लीपिंग में इन्वॉल्व है। अगर आप मन की आंख से इस बोर्ड पे देखें तो इस बोर्ड पे लिखा है पीनियल ग्लैंड, ये हमारे ब्रेन में है। तो इस ब्रेन इस ग्लैंड से कुछ हार्मोन निकलता है जिससे आदमी को नींद आती है। बस देखते हैं कैसे ये ग्लैंड काम करती है, किस कब काम करती है, कैसे काम करती है, डिस्कशन करते हैं, आइए देखा जाए। तो पीनियल ग्लैंड को हम लोग थर्ड आई भी कहते हैं, इसे थर्ड आई कहते हैं। थर्ड आई इन केस ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग केस में लोग इसे पीनियल ग्लैंड को हम लोग जो है थर्ड आई भी कहते हैं। सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देखें कि इसकी लोकेशन क्या है, आखिर ये है कहां पर हमारी बॉडी में। तो अगर आपको लोकेशन देखना है तो आप एक फिगर ड्रा करें और देखें कि अगर आपको फिगर ड्रा करना है तो आप एक ऐसे फिगर बनाएं, ये इस तरह से ब्रेन का एक फिगर बनाएं, तब आपको ये बात समझ में आएगी। ऐसे ये हमारा एक ब्रेन है, अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो तो ये ऐसे ब्रेन में खास तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं। हम आपको नर्वस सिस्टम में मतलब ब्रेन में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे कि इन प्रोजेक्शंस को हम लोग गायरी और सल्साई कहते हैं। यहां से ये ब्रेन स्टेम निकलता है इस तरह से, ऐसे ये ब्रेन स्टेम है। यहाँ पर एक खास तरह का स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग सेरिबेलम कहते हैं। यहाँ पर ये स्वेलिंग है जिसे हम लोग बोन्स कहते हैं, मतलब कुछ ऐसा कुछ ब्रेन दिखता है हमारा। जब आप इस ब्रेन को देखते हैं तो यहाँ पर एक खास तरह का कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम लोग कार्पस कैलोशम कहते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप लिख दीजिए ह्यूमन ब्रेन का ये जो है एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इस कार्पस कैलोशम के ठीक नीचे ये वो जगह है जहां पर हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो है डायसेफेलाइन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस डायसेफेलाइन का पार्ट है। ये देखिए, ये हाइपोथैलेमस है। इस हाइपोथैलेमस के इस वाले लोकेशन पे ये जो जगह है इसे हम लोग मिडब्रेन कहते हैं। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी भी ब्रेन की दे रहा हूँ, मैं आपको ज्यादा जानकारी तो नहीं दे रहा हूँ। ये मिडब्रेन है, ये जो जगह है इसे हम लोग सेरिबेलम कहते हैं। फिलहाल इन चीजों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें पढ़नी है ग्लैंड। हम आपको सीधे कॉन्सेप्ट पे ले चलते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो हाइपोथैलेमस है इसके ठीक ऊपर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर एक खास तरह की ग्लैंड पड़ी है हाइपोथैलेमस के ठीक ऊपर। इस ग्लैंड का नाम पीनियल ग्लैंड है जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये किसका पार्ट है, तो अगर आपको लोकेशन लिखनी है, सबसे पहले आप लोकेशन लिखें, तो लोकेशन लिखिए लोकेटेड ऑन डार्सल साइड ऑफ डायसेफेलॉन। डायसेफेलॉन अगर सेफेलॉन टर्म लग गया तो ये ब्रेन के लिए लगता है। तो डायसेफेलॉन में हाइपोथैलेमस आता है, उसी हाइपोथैलेमस के ऊपर ये स्ट्रक्चर पाया जाता है पीनियल ग्लैंड। मतलब पीनियल ग्लैंड हाइपोथैलेमस मतलब डायसेफेलॉन के ऊपर पड़ी है। हम आपको बहुत बेसिक बात बता रहे हैं, डिटेल आगे पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करनी है। लोकेशन के बाद अगर आप इसकी ओरिजिन देखें, तो आप ये बात जान लीजिए कि ये जो ग्लैंड है इसकी जो ओरिजिन है एक्टोडर्मल है। एक्टोडर्मल इसलिए है क्योंकि ये नर्वस न्यूरॉन्स की बनी है। एक्टोडर्मल है ऐसा इसलिए है कि क्योंकि कंपोज्ड ऑफ अगर आप सेल्स देखें तो इसकी सेल्स का नाम पिनेलोसाइट्स है। कंपोज्ड ऑफ पिनेलोसाइट्स, उसकी जो सेल्स हैं उन सेल्स को हम लोग पिनेलोसाइट्स कहते हैं। मतलब अगर उसका हम लोग सेक्शन काटते हैं तो आपको इसे दिखाई पड़ेगा। ये जो पिनेलोसाइट्स हैं ये खास तरह की नर्वस टिश्यूज हैं, न्यूरॉन्स हैं, और न्यूरॉन्स की ओरिजिन हमेशा एक्टोडर्म से होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे किस सेल की बनी है तो आपको बताना है कि सर ये पिनेलोसाइट्स की बनी है, और पिनेलोसाइट्स क्या है, न्यूरॉन्स हैं।
अगर आपको और कंफर्म करना है कौन सेल्स है तो आप कह सकते हैं सर वो तो इंटरस्टिशियल सेल्स है, बहुत डीप बात हो जाएगी, इतना दूर तक नहीं जानना है, एनसीईआरटी इतना डीप तक नहीं लिखा है, लेकिन बस आप इतना सीख लें परफेक्ट रहेगा आपके लिए। तो ये हो गई इसके ओरिजिन, इक्टोडर्म्स से पिनेलोसाइट्स की बनी हुई है। अगर आप इससे हार्मोन्स देखते हैं कि इससे हार्मोन्स कौन से निकलता है, तो अगर आप इससे हार्मोन्स को देखना चाहते हैं तो इससे एक ही हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन है जिसे हम लोग मेलाटोनिन कहते हैं। अगर आप मेलाटोनिन का केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये मेलाटोनिन जो है एक तरह खास तरह का अमीनो एसिड है, ये खास तरह का अमीनो एसिड है, मतलब एक तरह का अमीनो एसिड है, बस इतना आपको याद करना है। ये जनरली आपको मिलता है आउट ऑफ एनसीईआरटी, अगर आप देखें तो इससे एक हार्मोन और निकलता है, इस हार्मोन का नाम एंटीगोनेडियल हार्मोन है। इसकी चर्चा कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो आप ये भी जान लें, जरूरी है कहीं किसी ने फंसा दिया तो ऐसा ना हो कि एनकेटी आपको धोखा देंगे। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है और ये जो मेलाटोनिन है ये एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है, तो हम लोग मेलाटोनिन को ही देखेंगे। अगर आप मेलाटोनिन का अमीनो एसिड है आपको ध्यान रखना है, अगर आप इसके फंक्शन देखें मेलाटोनिन का फंक्शन क्या है, तो अगर आप इसके इस हार्मोन का फंक्शन देखें तो सबसे पहला फंक्शन है 24 आवर सर्कैडियल रिदम। सबसे पहले हमारे 24 घंटे की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसे ये हार्मोन कंट्रोल करता है, सबसे पहला काम। अगर आप इसे चाहें तो ले सकते हैं कि ये बॉडी क्लॉक है, बॉडी क्लॉक जो होती है हमारे 24 आवर्स में जो हमारा व्यवहार होता है, हम कैसे बिहेव करते हैं, उस रिद्म को हम लोग बॉडी क्लॉक कहते हैं। देखिए दो टर्म होते हैं, एक बॉडी क्लॉक होता है और एक बॉडी लैंग्वेज होती है। तो बॉडी क्लॉक वो होती है जो 24 आवर्स में आप काम करते हैं, और बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, अभी मैं ऐसे बात कर रहा हूं तो आपको अच्छा लगेगा लेकिन मैं वैसे टेढ़ा हो जाता हूं, सर बड़ा निगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। तो बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करती है। कभी कभी आप देखिए कहीं कोई प्रोग्राम होता है और रात भर आप जग जाते हैं तो अगले दिन आपके पेट खराब होती है, आंखें थकी थकी रहती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए ये ग्लैंड जो होती है, ये पहला काम करती है कि आपके बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करती है, बॉडी में होने वाली एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, जो आप 24 आवर्स में बिहेव करते हैं उन बिहेव को ये कंट्रोल करती है, पहला काम हो गया। दूसरा देखिए इसका एक बड़ा काम है कि ये मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है इसकी कोई चर्चा नहीं है। इसका एक काम और है कि ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करती है, कैसे कंट्रोल करती है इसका भी कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये सारी बातें एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगी, जितना मैंने लिखा हुआ सबका सब मिल जाएगा। इसके सिवा और क्या क्या काम करती है, ये एक छोटा काम और करती है, ये डिफेंस का काम करती है, मतलब हमारी बॉडी में जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी कंट्रोल करती है। इसके सिवा इसके फंक्शन यहां देखे जाए, इसका अगला जो फंक्शन है वो है स्लीप वॉक साइकिल, मतलब हम जब जगते हैं जब सोते हैं ये जो हमारी साइकिल है बॉडी को उसे ये कंट्रोल करती है, स्लीप वेक साइकिल में कंट्रोल करती है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि नींद क्यों आती है, उसका जवाब यहाँ पे है। देखा यह जाता है कि इसका बिहेवियर ये है कि ये जो हार्मोन है अगर डार्कनेस होती है, मतलब अगर आप अंधेरे कमरे में सोते हैं डार्कनेस होती है तो जो मेलाटोनिन है उसका सिक्रीशन ज्यादा होता है, लेकिन अगर लाइटनेस है या ब्राइटनेस है, मतलब कमरे में आप लाइट जला के सो रहे हैं, तो इस हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है, मतलब आपको जब भी सोना है लाइट ऑफ करके सोना है, ये हार्मोन कहता है। अगर आप लाइट ऑफ करके सोते हैं 6 घंटे तो आपको उतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी जितनी लाइट जला के आप 12 घंटे सोते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि स्लीप वेक साइकिल में कंट्रोल करता है। ये देखिए कंट्रोल सेक्सुअल मेच्योरिटी को भी ये हार्मोन कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है, आप ऐसे सोचें कि जब डार्कनेस होती है, इसका एक खास तरह का एक्सपेरिमेंट आपको मैं बताता हूं तो शायद आपकी बात तेजी से समझ में आएगी। एक्सपेरिमेंट ये है, एक लॉजिक है जो आपको सीखना है। एक्सपेरिमेंट ये है इसका कि अगर आप देखें तो
तो दो तरह के रैट हैं, एक नॉर्मल रैट है, नॉर्मल रैट है ये एक बिहेवियर है, ये एक नॉर्मल रैट है और दूसरा ब्लाइंड रैट है, ब्लाइंड रैट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं किसमें हार्मोन ज्यादा निकलेगा, कॉमन सेंस की बात है कि ब्लाइंड रैट में हार्मोन ज्यादा निकलेगा। जब हार्मोन ज्यादा निकलेगा, क्योंकि ये अंधा है, हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो इसकी जो है अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाएगी, अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाएगी, अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाएगी उस रैट की जो ब्लाइंड है, जबकि इसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी कैसी होगी, नॉर्मल सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाएगी, नॉर्मल सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लाइंड रैट और नॉर्मल रेट में पहले कौन सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा, तो आपको बताना है कौन सा होगा, ब्लाइंड रेट पहले सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका व्यवहार है हार्मोन का और आपको ये देखना है, मतलब अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो जल्दी सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा और अगर वो नॉर्मल है तो उसकी नॉर्मल सेक्सुअल मैच्योरिटी होगी। एक बात और देखिए, इसका एक बड़ा काम है पिगमेंटेशन में, पिगमेंटेशन इसका एक फंक्शन है, एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है तो आपको ये भी आना चाहिए पिगमेंटेशन में। तो पिगमेंटेशन में क्या करता है, अगर आप देखें तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेयरनेस ऑफ स्किन, स्किन के फेयरनेस के लिए जिम्मेदार है। और अगर आपको याद हो तो मेरे वीडियोस अगर आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है, ये लाइन आपको मिल जाएगी, क्या ये लाइन मिल जाएगी, देखिए, मेलाटोनिन इज एंटागोनिस्टिक टू एमएसएच, ये देखिए, मतलब मेलाटोनिन किसका एंटागोनिस्टिक है, एमएसएच का। एमएसएच क्या करता है, बॉडी के कलर को चेंज कराता है, तो उस जो पुराना कलर था उसको फिर से रिगेन करने के लिए मेलाटोनिन निकलता है और पिगमेंटेशन में मदद करता है। तो अगर आप फंक्शन देखें क्या क्या है, एक तो ये हमारी बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, डिफेंस को कंट्रोल करता है, स्लीप वॉक साइकिल को कंट्रोल करता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी को कंट्रोल करता है, पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। अब कुछ और बात आपको सीखनी है, आपको ध्यान रखना है कि नर्व सेल की मॉडिफिकेशन है। ध्यान रखिए एक चीज में इधर चला गया, जब ओल्ड एज हो जाती है, ओल्ड एज हो जाती है मतलब लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो देखा यह जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट इनटू पिनेलोसाइट्स। ओल्ड एज होने पर यह देखा जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट इन पिनेलोसाइट्स पर डिपॉजिट हो जाती है, मतलब पीनियल ग्रैंड पर डिपॉजिट हो जाती है। कौन डिपॉजिट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के ग्रेन्यूल्स पूरे होने पर पिनेलोसाइट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। उसका इफेक्ट ये होता है कि इन कैल्शियम कार्बोनेट को उस समय हम लोग ब्रेन सैंड कहते हैं। कौन सा सैंड कहते हैं, ब्रेन सैंड। अक्सर पूछा जाता है कि ब्रेन सैंड क्या होता है, आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें कि अगर पिनेलोसाइट्स में कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाएगा तो उस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग ब्रेन सैंड कहेंगे, और अगर पिनेलोसाइट काम नहीं करेंगी तो उस व्यक्ति की नींद पर क्या असर पड़ेगा, नींद जाहिर सी कम हो जाएगी, और नींद जब कम हो जाएगी इसलिए देखिए बूढ़े लोगों को नींद कम आती है। एक बात और देख लें, इट इज एक्टिव इन लोअर वर्टिब्रेट्स, ये भी लिख सकते हैं, इट इज एक्टिव इन लोअर वर्टिब्रेट्स। लोअर वर्टिब्रेट्स में ये ज्यादा एक्टिव होती है, वैसे ह्यूमन में भी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हमको मिलते हैं। ये कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको सारी बातें आनी चाहिए, खास करके आपको ये ब्रेन सैंड याद होना चाहिए क्योंकि इसके अक्सर क्वेश्चन आपके सामने आपको मिल जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना है। फिर से आप इसका ओवरव्यू ले लें, ग्लैंड कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस के ऊपर है, और किसकी मॉडिफिकेशन है, नर्व सेल की, मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। आपके मन में आएगा एंटीगोनेडियल हार्मोन का काम क्या होता है, तो अगर मैं आपको एंटीगोनेडियल हार्मोन के फंक्शन एक दो सिखा दूं, तो प्रिवेंट सेक्सुअल इरिटेशन, ये सेक्सुअल इरिटेशन को रोकता है, इतना इसके बारे में जानकारी दिया गया है, प्रिवेंट सेक्सुअल इरिटेशन। मान लीजिए बाय द वे आपसे कोई पूछे, मैंने तो आपको इसलिए ये बात बता दी
बाद में अगर कोई पूछे तो आप इसका जवाब दे पाए कि ये एंटीगोनेडियल हार्मोन का फंक्शन है। इस सारी चीजों को अच्छे से याद करें। कभी भी ये एक क्वेश्चन अकेले लेके नहीं आता है, बल्कि किसी क्वेश्चन के पार्ट होते हैं। मतलब कोई क्वेश्चन होगा ऑड इवन का, उसमें इसके कमेंट आते हैं और आपको मैचिंग देनी पड़ती है। पूरा एग्जैक्ट आपको याद करना।